जय श्री राधे। आप सभी के सामने फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। यह कहानी ऋषि मुनि अगस्त की कहानी है। एक समय था जब देवताओं के आग्रह पर अगस्त मुनि ने सभी समुद्र का जल पी लिया था ताकि देवता राक्षसों का वध कर सके। आज हम आपको उसी कथा के बारे में बताएंगे। राक्षस राज वृत्तासुर का वध इस कहानी में बताएंगे आप सभी को। एक समय दैत्यों का राजा वृत्तासुर था जो देव राजा इंद्र एवं उनकी सेना पर आक्रमण करता रहता था। सभी देवता उससे बड़ी परेशान थे, इसीलिए देव इंद्र ने महर्षि दधीचि की स्तुति कर उनकी हड्डियों से शक्तिशाली ब्रज का निर्माण किया एवं वृत्तासुर का व्रत वध कर डाला। वृत्तासुर का वध होते ही दैत्य सेना में हाहाकार मच गया एवं सभी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे और सभी हाहाकार के वजह से समुद्र में जा छुप गए। वृत्तासुर के वध के पश्चात दैत्यों के पास कोई राजा नहीं था, तब सभी धरती पर अपना जीवन बचाने के लिए छुपने लगे, लेकिन देवता उनकी ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। इसीलिए सभी दैत्यों ने समुद्र के नीचे छुपने को सोचा ताकि देवता उन्हें ढूंढ ना सके। यह सोचकर सभी दैत्य समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए और सभी हाहाकार से बचने की कोशिश करने लगे। अपने मृत्यु के भय से समुद्र के अंदर जा छिपे। इसी बीच राजा वहां वृत्तासुर दैत्यों के समुद्र में छिपे होने के कारण देवताओं को उन्हें ढूंढने में बहुत समय आ रही थी। क्योंकि समुद्र अति विशाल होने के साथ साथ बहुत गहरा भी था, साथ ही पानी के अंदर देखा नहीं जा सकता था, इसीलिए देवता दैत्य का वध कर पाने में असमर्थ थे। साथ ही दैत्य रात्रि में समुद्र से बाहर निकलकर ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर उन्हें खा जाते थे, जिस कारण से देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी और इससे देवतागण बहुत चिंतित थे और ऋषि मुनि भयभीत हुए थे। सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। दैत्यों के छल से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए एवं उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, दैत्यों को तभी मारा जा सकता है जब समुद्र का जल सूख जाए। इसके लिए उन्हें उपाय सूझा कि पृथ्वी पर ही अगस्त मुनि नामक एक महान तपस्वी रहते हैं जो अपनी शक्ति से समुद्र के जल को पीकर उसे सुखा सकते हैं। ऐसा भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया और अगस्त मुनि की महिमा को बताया। देवताओं ने अगस्त मुनि से सहायता ली। भगवान विष्णु से आदेश पाकर सभी देवता अगस्त मुनि से सहायता मांगने गए। जब ऋषि अगस्त ने देवता की समस्या सुनी तब वे उनकी सहायता करने को राजी हो गए। भगवान विष्णु ने यह बात देवताओं को बताई थी। वे सभी देवताओं के पास समुद्र के तट पर गए और हाथ से जल लेकर पीने लगे। देखते ही देखते सारे समुद्र का जल समाप्त हो गया एवं दैत्य उससे साफ दिखने लगे। दैत्यों के बाहर आते ही सभी देवताओं ने उन पर भीषण आक्रमण कर दिया एवं सभी का वध कर दिया गया। कुछ दैत्य डर कर वहाँ से भागकर पुनः पाताल लोक चले गए। इस तरह कुछ ने अपनी जान बचा ली थी और अधिकों ने तो अपनी जान गंवा दी थी। सभी मृत्यु के कारण वहाँ भयभीत थे। इस प्रकार अगस्त मुनि ने समुद्र का जल पीकर देवताओं एवं ऋषियों की सहायता की, दैत्यों का अंत करवाया। जब देवताओं ने राक्षस का वध करने के पश्चात अगस्त मुनि से समुद्र का जल वापस लौटाने को बोला तो उन्होंने इसमें असमर्थता दिखाई एवं उन्हें बताया कि अब वह सारा जल पच चुका है। देवता गए भगवान ब्रह्मा के पास और इस सारी घटना का वर्णन किए। सभी देवता अगस्त मुनि के द्वारा समुद्र का जल न लौटा पाने के कारण भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगने गए। तब भगवान ब्रह्मा ने बताया कि समय के पश्चात भागीरथ इस पृथ्वी पर आएंगे
और उनके तप से माँ गंगा इस पृथ्वी पर आगमन होगा। उन्हीं के जल से विश्व के सभी समुद्र पुनः भर जाएंगे। इस तरह भगवान को ब्रह्मा जी ने बताया। ये कहानी कैसी लगी?